कल दिनांक 10 फरवरी को जनपद अमरोहा में कोतवाली अमरोहा नगर क्षेत्र में ये डबल मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें पिता और पुत्री मृत अवस्था में पाए गए थे। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत करके विवेचना शुरू की गई थी। आज इस घटना का अनावरण किया गया है। घटना को कारित करने में मृतक के ही पुत्र, उनके पुत्रवधु और एक अन्य साथी का हाथ है, जिन्होंने पिता और पुत्री का मर्डर किया। उसके बाद घटनास्थल को परिवर्तित करके उसे लूट का घटनास्थल प्रदर्शित करने की कोशिश की, गुमराह करने की कोशिश की। घटना के पीछे कारण यह है कि पिता और पुत्र में लंबे समय से संपत्ति का विवाद चल रहा था, और इसके अलावा पुत्र अपनी संपत्तियों को बेचकर दिल्ली में शिफ्ट होना चाह रहा था, और साथ में ही पिता की कुछ गतिविधियां थी जिनसे पुत्र और पुत्रवधु लगातार नाराज चल रहे थे। इन्हीं के परिणाम स्वरूप इन्होंने मर्डर करने की योजना बनाई और अपने दिल्ली के एक साथी के साथ मिलकर इन्होंने इस घटना को कारित किया। और घटना कारित करने के बाद घटनास्थल को साफ सफाई करके, पोछा लगा के और चीज़ों को गायब करके वहाँ पर लूट का एक वातावरण क्रिएट करने की कोशिश की। हालांकि तो बरामद हो चुका है और आरोपियों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। सर, घटना किस वक्त हुई और किस तरीके से घटना को अंजाम दिया? घटना सुबह रिपोर्ट हुई थी, लेकिन एक रात पहले ही लगभग 10 से 11 बजे के बीच में घटना कारित करना बताया गया है। अच्छा, क्या बेटी की जो अपनी बहन को मारा, उसका क्या वजह थी जो अपनी बहन को मारा? पिता को मारने के दौरान जो पुत्री थी वो चश्मदीद बन गई थी, उसने शोर मचाने की कोशिश की थी और कोई भी चश्मदीद ना रहे और ये पकड़े न जाए, इसके लिए उन्होंने दूसरा। घटना का वक्त क्या बताया उसकी पत्नी? जी हाँ। तो क्लू किस तरीके से मिला है पुलिस को? घटना को वर्कआउट करने में जनपद अमरोहा की फील्ड यूनिट ने फॉरेंसिक के माध्यम से बहुत ही सराहनीय योगदान दिया है। घटनास्थल के पास से कुछ खून के धब्बे मिले थे, जो कुछ अन्य वस्तुओं पर भी मिले थे। ये वस्तुएं मृतक के पुत्र और पुत्र वधु द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। इनका परीक्षण किया गया, परीक्षण के बाद इनको कनेक्ट करके इनसे पूछताछ की गई, उसके बाद इस घटना का कोई दोस्त था, उसने कोई पैसे उधार किया था किसी? इस घटना को कारित करने के लिए मृतक के पुत्र ने अपने एक साथी का सहयोग लिया था और उसको पैसे देके इस घटना में शामिल किया। हत्या के बाद कोई पार्टी की इन्होंने वहाँ पर अपने घर? नहीं, ऐसा नहीं है। घटना कारित करने के बाद यही बताया कि उन्होंने घटनास्थल को साफ सफाई किया, साफ सफाई करके उसे फिर तितर बितर किया, जिससे लूट का एक वॉशिंग मशीन का भी जिक्र किया, वो खून के कपड़े उसमें धोए गए? जी हाँ, जो हमारी बरामदगी है, कुछ सामग्रियां हैं जिन्हें वहाँ पर धोया गया था, साफ किया गया था, वो वॉशिंग मशीन के पास में ही फॉरेंसिक साइंस ने, हमारी फील्ड यूनिट ने बरामद किए थे, इसी से हमने घटना को कनेक्ट किया। काफी बड़ी मतलब ये उपलब्धि है, तो इसके लिए क्या आपने टीम को कुछ रिवार्ड दिया? जनपद अमरोहा की टीम ने थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी और SOG सर्विलांस और विशेष रूप से फील्ड यूनिट ने बहुत ही सराहनीय योगदान दिया है। 25,000 रुपये की इनाम की घोषणा मेरी तरफ से की जा रही है। उच्च अधिकारियों द्वारा पुरस्कृत किए जाने के लिए रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है और फील्ड यूनिट के सराहनीय काम के लिए उन्हें यहीं पर मौके पर नगद इनाम जो 5,000 रुपये का अभी प्रदान किया गया है। योजना पूछने पर बताया गया है कि लगभग एक महीने से ये सोच रहे थे और एक हफ्ते पहले इन्होंने पूरी तरह से मन बना लिया कि अब हम किसी दिन इसको करना है, और जैसे ही अपने साथी के साथ में इन्होंने समन्वय स्थापित किया, घटना को कारित कर दिया। ठीक।